हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं प्लूमेरिया के एक वैरायटी जो आपके सामने है। देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। समर सीजन लविंग प्लांट है, इसे कहते हैं प्लूमेरिया एल्बा। बहुत खूबसूरत से और बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं गुच्छों में, और ये बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है। देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं, और इसे मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया था। और जो फूल खिलते हैं इसके अंदर है बहुत खूबसूरत सा सुगंध जिससे आपके गार्डन महक जाएगा। इसके पत्ते जो है वो भी देखिए बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। इसके और एक वैरायटी है मेरे पास जो डिफरेंट कलर में फ्लावरिंग करते हैं, हालांकि इसमें अभी तक तो फ्लावरिंग शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मेरे जो ये प्लांट है ये कुछ दिन पहले तक छोटे से कैरी बैग के अंदर लगा हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हो इस साइड पे है कैरी बैग, तो कुछ दिनों पहले ही मैं जस्ट इसको अभी रिपोर्ट किया हूँ एक बड़े बाल्टी के अंदर, और इस प्लांट को भी मैं कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया था। तो इसमें भी कुछ दिनों के अंदर ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत सारे नए नए से लीव्स निकलना शुरू हुआ है। और प्लूमेरिया के और भी कई सारे वेराइटी होते हैं। प्लूमेरिया पुदीका के और एक वेराइटी है मेरे पास, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला, इसपे व्हाइट कलर में फ्लावरिंग होते हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग होता है, और इस फ्लावर पे किसी प्रकार सुगंध होता नहीं है। प्लूमेरिया के सिर्फ प्लूमेरिया एल्बा जो वैरायटी है इसमें बहुत सुंदर से सुगंध होते हैं। जो आप देख सकते हो मेरे गार्डन में दो प्लांट है और दोनों को ही मैं कटिंग के थ्रू ग्रो किया हूँ। प्लूमेरिया एल्बा प्लांट के फ्लावरिंग सीजन जो है वो अप्रैल से चालू हो जाता है और अप टू अक्टूबर के एंड तक ये फ्लावरिंग कर सकता है। तो आप चाहे तो इसे आपके गार्डन में नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हो। थोड़ी सी बड़े स्पेस की ज़रूरत है इस प्लांट को क्योंकि प्लांट बहुत ही लंबा होता है कुछ दिनों के अंदर। तो आप इसे थोड़ी सी बड़े मतलब 16 इंच पॉट के अंदर आपके गार्डन में आपके छत के ऊपर ग्रो कर सकते हो। इस प्लांट को देखभाल करने के लिए ज़्यादा बहुत केयर करने की ज़रूरत नहीं है, एक पेस्ट फ्री प्लांट है। आप बस टाइम टू टाइम इसे खाद देते रहिए, मतलब महीने में एक बार इसे किसी प्रकार खाद का इस्तेमाल कीजिए, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हो। वाटरिंग की बात की जाए तो हर रोज़ वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट को। आप चाहे तो हर अल्टरनेट डेज पर इस गर्मी के मौसम में भी वाटरिंग कर सकते हो। तो मेरा ये जो प्लांट है जिसमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, ये मेरे एक 2 साल पुराना प्लांट है, और यहाँ पर जो और एक प्लांट है ये मेरे 1 साल पुराना प्लांट है। जैसे कि मैं बताया दोनों प्लांट को ही मैं कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया हूँ। मेरे जो ये प्लांट है अभी तो बहुत ही छोटा है क्योंकि प्लांट अभी तक एक छोटे से पॉट के अंदर ही लगा हुआ था, इसलिए ज़्यादा ग्रोथ अच्छा नहीं है इस प्लांट का। लेकिन उम्मीद करता हूँ आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि ये एक समर लविंग प्लांट है तो आप इसे हमेशा फुल सनलाइट वाले जगह पर ही रखा कीजिए जहाँ पर दिन भर की तेज धूप इसके ऊपर पड़े, मतलब तेज धूप मिल पाए, ऐसे जगह पर ही आप प्लांट को ग्रो किया कीजिए। प्लूमेरिया एल्बा ट्रॉपिकल इलाकों में फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, मतलब जहाँ पर गर्मी ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा रहता है, इस जगह पर यह बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर सकता है। आप अगर इस प्लांट को पॉट के अंदर ग्रो करते हो तो प्लांट को प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लांट ज़्यादा लंबा हो जाता है छोटे से कुछ समय के अंदर। अगर आप इसे ज़मीन पर ग्रो करते हो तो प्लांट बहुत ही लंबा होता है, लेकिन पॉट के अंदर प्लांट सिर्फ 6 से 7 फीट तक ही लंबा हो सकते हैं। तो आप इसे थोड़ी सी बड़े पॉट पे ग्रो किया कीजिए ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल पाए, जैसे कि मैं ग्रो किया हूँ बस एक बड़े बाल्टी के अंदर, या फिर आप बस्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं मेरे किसी भी प्लूमेरिया के वैरायटी को कभी भी प्रूनिंग नहीं करता हूँ। मेरे प्लांट का ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छे है और ऑलरेडी इसमें बहुत सारे फूल खिलना शुरू हो चुका है। ये तो एक पिंक वैरायटी है, मतलब पिंक कलर में फ्लावरिंग होता है, और ये जो वैरायटी है इसमें व्हाइट कलर में फ्लावरिंग होते हैं और बीच में येलो रहते हैं जो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स ये तो था प्लूमेरिया एल्बा प्लांट के बारे में छोटी सी जानकारी। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो नर्सरी से। नर्सरी पे इसको आप 40 से 50 रुपए पे एक प्लांट मिल जाएगा, या फिर आपको अगर कहीं मिले ये प्लांट तो कटिंग से भी आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।